सुल्तानपुर से है जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया बुक में दर्ज हुआ है और यह कामयाबी मिली है जिला प्रशासन या यूं कहें सुल्तान पर जिलाधिकारी के अभिनव प्रयोग सीड बम से। दरअसल पूरा मामला जिलाधिकारी सुश्री इंद्रुमती के सीड बम के प्रयोग का है, जहां डीएम ने 14 अगस्त के दिन 14 लाख सीड बम 110 किमी के दायरे में गोमती के तट पर 137 गांव में डाले गए थे। प्रशासन की साफ मंशा थी पर्यावरण को बचाने की पहल की। इन सीड बम से लगभग 14 लाख पौधे तैयार होंगे जो पर्यावरण की रक्षा करेंगे और इस काम के लिए गांव की महिलाओं को जागरूक किया गया, जिसके बाद सीड बम तैयार होने लगा और गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिलने लगा। डीएम इंद्रुमती का प्रयास और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत ने बना डाला रिकॉर्ड, जिससे सुल्तानपुर जनपद का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एशिया बुक में दर्ज हो गया है और यह जनपद के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है सीड बम के इस प्रयोग को भविष्य में केंद्र और प्रदेश सरकार का भी सहयोग मिलेगा। को हम लोगों ने सुल्तानपुर में बहुत ही इनोवेटिव कोशिश किए थे, जिसके माध्यम से हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से हर गांव में, हर गांव के समूह महिला है और ग्राम प्रधान है, हमारे अधिकारीगण सब मिलजुल कर सीड बॉल्स, मोर देन 14 लाख का सीड बॉल्स उनके स्तर से हम लोगों ने प्रोड्यूस करा के एक ही घंटे के अंदर गोमती नदी के तट पर 110 गाँव के लोगों से मिलजुल कर गोमती नदी के तट पर हम लोगों ने एक घंटे के अंदर मोर देन 14 लाख का सीड बॉल्स को विसर्जन किए थे, डिस्पर्स किए थे। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है ये, और इससे हम क्या करना चाहेंगे, हमारे जो लोगों को सीड बॉल्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे जो नदी है, रिवर का जो लाइफ है उसको रिज्यूनेट करना चाहते हैं, और जो इरोशन से भी हमारे जो फ्लड बैंक है उसको बचाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा सा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, और इससे आगे भी हम काम करते रहेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है सीड बॉल प्रोडक्शन है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के साथ हमने जोड़कर प्रोजेक्ट उन्नति का एक शुरुआत हम लोगों ने यहाँ की है। तो इससे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला के माध्यम से जो सीड बॉल्स बनाया जाता है, तो उसका मार्केटिंग, उसका जो बिक्री है हमारे स्तर से, उसका फैसिलिटेशन यहाँ किया जा रहा है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस में हम लोग काम करा रहे हैं, और जल्दी ही इसको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, सेलिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसको उसमें भी इसको टच करने जा रहे हैं। क्या पौधों का अंकुरण होना शुरू हो गया है? वो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months। उसका जो समीक्षा है, फीडबैक है, एक कमिटी गठित करा के हर गांव में जहां पे इसका जो डिस्पर्सल हुआ है वहां से किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किस तरह के बीज हमने सीड बॉल में यूज किया, तो जैसे उसका जो दिखने लगती है तो फिर उससे हमको ये पता चलेगा, उसका जो जर्मिनेशन रेट है उसको उसके बारे में पता चलेगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज होकर हमको सर्टिफिकेट भी आ गया है। ये हमारे सुल्तानपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की तारीख में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सुल्तानपुर के जो नाम है वो दर्ज हुआ है। ये इनोवेटिव स्कीम को अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।